नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा मूर्तिकारों द्वारा श्री गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर। श्री गणेश चतुर्थी का धार्मिक आयोजन पूरे देश में बहुत श्रद्धा भक्ति एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा शहर में मूर्तिकारों द्वारा श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है। प्रतिमाओं का निर्माण करने के लिए मूर्तिकारों के द्वारा जानकारी दी कि हमें पूरे परिवार के साथ यह काम करना पड़ता है, किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा ये कार्य करना संभव नहीं है। इसके अलावा मूर्ति निर्माण करने के लिए बहुत सारी सामग्री एकत्रित करना पड़ता है और यह सब सामग्री एकत्रित करने के लिए बहुत पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। सारी सामग्री बहुत महंगी हो गई है, परंतु हमें मूर्तियों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। पर क्या करें, परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में ये कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय नहीं है, जिससे हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छा जीवन देने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस गणेश चतुर्थी पर्व के लिए हम सभी मूर्तिकारों द्वारा बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कुछ मूर्तियां समाज को एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से बनाई भी बनाई गई हैं। हम सभी मूर्तिकार जितनी श्रद्धा भाव से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, आप सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि आप सभी पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा भाव से पूजन करें व अपने जीवन को धन्य करें। छिंदवाड़ा संवाददाता इनोद कांबले की रिपोर्ट। ये जो मूर्ति निर्माण का कार्य कितने दिन पहले शुरू कर देते आप? 4 महीने पहले शुरू करते हैं। 4 महीने पहले सब मूर्ति से संबंधित जो भी चीज़ लगती है, मिट्टी है जी, लकड़ी है जी, गेरा है जी, ये सब चीज़ का इंतजाम करना पड़ता है और पूरा परिवार मूर्ति में सहयोग करवाता है। तो जो मूर्ति बनाने के लिए पूरे परिवार का पूरा परिवार ही काम करता है? परिवार काम करता है और साथ में मजदूर को भी रखना पड़ता है। मजदूर को भी रखना पड़ता है ना। हाँ। और यानी मूर्ति मान के चलो कि 18 तारीख को बैठने वाली गणपति जी, तो उसके कितने महीने पहले काम शुरू कर देते हैं आप? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले शुरू कर। हाँ। अच्छा, जो काम जिन काम से आपका परिवार का साल भर का भरण पोषण हो जाता है? भरण पोषण हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कोई उतना पैसा बचता नहीं है, अपना परिवार को खिला सकते हैं, अच्छा करना सकते हैं, बस अच्छी पढ़ाई करवाना है या अच्छी शिक्षा दिलवाना है, तो उसके लिए उतना पैसा नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है ना। तो सरकार से आप मांग क्यों नहीं करते? सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार हमारे समाज के लोगों को जो मूर्तियां बनाते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाती सरकार। वो कई बार हमारे समाज की समिति में भी जाके उनसे आवेदन दिए कि हमारे मूर्तिकारों को कुछ सहयोग किया जाए, कुछ ऐसी राशि दी जाए या इससे हमारा परिवार का हमारे समाज के लोगों का भी उत्थान हो सके, जो भी कुछ अच्छा बच्चों को पढ़ा लिखा सके। अच्छा, क्या है कि ये मूर्ति जब 4 महीने शुरू करते हैं ना, पहले जो घर के हम क्या, मेरा नाम प्रकाश सोलंकी है। अच्छा, मैं अदर कास्ट से हूँ और मेरा सरकार से एक सुझाव है, वो है निवेदन है जी, कि जैसे मैं बीकॉम फाइनल कर चुका हूँ। अच्छा, तो मुझे अभी ये काम करना पड़ रहा है सजावट का। हाँ, हाँ। तो मुझे सरकार से ये मांगे कि हम जैसे बच्चों के लिए जी, बड़ी बड़ी कंपनियां छिंदवाड़ा आए और हमारा रोजगार के प्रति रोजगार की व्यवस्था बनाए। व्यवस्था बनाए। अच्छा, और हमारी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा हमें अच्छा रोजगार मिले और मजदूर काम करना पड़ता है।